कोविड-19 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ शहनाज रजा और आज के संक में बात होगी भारतीय वैज्ञानिकों की ओर से किए जा रहे उन प्रयासों, नवाचारों और उन मूल्यवान योगदान की जिनके बल पर कोरोना से लड़ने में हमें मदद मिल रही है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त संस्थान नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान यानी INST मोहाली के वैज्ञानिकों ने एक कम लागत वाले धातु रहित नैनो मटेरियल को ढूंढा है जो चांदी और अन्य धातु आधारित सामग्रियों का विकल्प हो सकता है। इन नैनो मटेरियल्स में जैव नाशी गतिविधि होती है। कोरोना महामारी की मौजूदा हालात को देखते हुए इस प्रौद्योगिकी को एंटीवायरल दक्षता के लिए भी परखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका कार्बन में प्रकाशित हालिया अध्ययन में INST के शोधकर्ताओं ने दृश्य प्रकाश चलित जीवाणुरोधी गतिविधि के लिए कार्बन नाइट्राइड क्वांटम डॉट्स के परीक्षण का उल्लेख किया है। शोधकर्ताओं की टीम ने सुझाव दिया है कि ये धातु गैर धातु सेमीकंडक्टरों और महंगी चांदी की जगह एक किफायती एंटीबैक्टीरियल विकल्प होगा। वर्तमान परिदृश्य में इसकी प्रासंगिकता को देखते हुए एंटीवायरल दक्षता के लिए भी इस तकनीक को टटोला जाएगा। आइए जानते हैं इस बारे में वैज्ञानिक डॉक्टर आसिफ खान शानावास और वैज्ञानिक डॉक्टर कमला कन्नन कैलासम का क्या कुछ कहना है। Silver and the metal oxide nanomaterials are used widely. The problem is either they are toxic or they are only active in visible region, UV light, or having lower activity. So that's an urge to develop an cost-effective and organic material which is polymeric in nature. It can be made using cheaper precursors like urea or melamine, which is very low cost. It is an organic semiconductor. This carbonate is an organic semiconductor with a narrow band gap and absorb light in the visible region, which we utilize it in our group on different energy applications. It is a highly stable polymer and compared to the other organic polymers, and it's stable in all pH conditions. It can be prepared as monolith, it means on different solid shapes you want, and as a nanoparticles or nanoporous materials, as a quantum dots, so that you have a high surface area. We can understand that these nanomaterials damage the structural integrity as evidenced from the damage to the bacterial cell membrane. So coming to the present scenario, we know the inhabitants of the micro world are primarily made of lipid, protein and nucleic acids. And the term Kamal mentioned, ROS, reactive oxygen species, can interact most instantly with any lipid or protein molecules it comes across. So as a result, it ends up damaging these structures that the protein might end up losing its functionality and eventually the inactivation of the organism. So we envision that the mechanism might also hold true in case of viruses. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के अंतर्गत दुर्गापुर में कार्यरत केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी CMERI द्वारा अस्पतालों के लिए उपयोगी रोबोट का विकास किया गया है। इसकी मदद से डॉक्टर दूरी बनाकर भी रोगी की देखभाल कर सकते हैं और इसके अलावा रोबोट से दवाओं को मरीजों तक पहुँचाया जा सकेगा और सैंपल कलेक्शन का भी काम किया जा सकेगा। दूर बैठकर भी संचालित किए जाने वाले इस रोबोट में लगी ऑडियो वीडियो प्रणाली से मरीजों तक सूचनाएं भी प्रेषित की जा सकती हैं और डेटा कलेक्शन भी किया जा सकता है। इससे मरीजों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को एक दूसरे से होने वाले संक्रमण की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। ये रोबोट कोरोना महामारी के दौर में संक्रमण से बचाव में सहायक साबित हो सकता है। कोरोना संकट की इस घड़ी में आविष्कारकशील और रचनात्मक भावना से लैस भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयास से कई प्रकार के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसी क्रम में IIT बॉम्बे के छात्रों ने एक सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया है जिसका नाम रखा गया है रूहदार। संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होने के साथ ही गंभीर रोगियों को श्वास प्रदान करने में वेंटिलेटर बहुत सहायक साबित होता है और खास तौर पर कोरोना से संक्रमित कुछ रोगियों को इसकी आपातकालीन आवश्यकता पड़ जाती है। IIT बॉम्बे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके साथ ही आपको बता दें कि अवंतीपुरा,
पुलवामा जम्मू और कश्मीर के इंजीनियरिंग के छात्रों की एक टीम ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करते हुए कम लागत वाला वेंटिलेटर बना लिया, जिसके प्रोटोटाइप की लागत लगभग 10,000 रुपए है। हालांकि जब बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन होगा तो लागत इससे भी काफी कम होगी। आज के अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।